अभी बीजेपी की तरफ से ये बात आ रही है कि जिस तरीके से यहाँ पे बनारस को भी पैसा 1 लाख रुपए जो है वो सबको दिया जा रहा है, उनका ये कहना है कि इंसाफ की बात को क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की कई योजनाओं को जो है हर किसी को दिया जा रहा है, तो इसीलिए ये देखिए ऐसा नहीं करना। देखिए ऐसा है, ऐसा है ना कि बीजेपी जो है डेलिबरेटली आधी सच्चाई बोलती है आधी और पूरी झूठ बोलती है। क्या तेलंगाना में बैकवर्ड क्लास के हमारे हिंदू भाइयों को प्रोफेशन की बुनियाद पर ये सेम स्कीम नहीं दी जा रही है, बराबर दी जा रही है? झूठ बोल रहे हैं वो लोग बीजेपी वाले। दी जा रही है, बिल्कुल दी जा रही है। प्रोफेशन की बुनियाद पर जो नाई है, जो 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 मिस्त्री का काम करते हैं, इस दिया जा रहा है। ऐसे कई 10-12 प्रोफेशन आइडेंटिफाई करे उसमें भी दिया जा रहा है, क्यों नहीं दिया जा रहा है? अब आप नहीं, अरे आपको दिया जा रहा है ना, माइनॉरिटीज को दिया जा रहा है। माइनॉरिटीज धर्म आ रहा है क्या कि आर्टिकल 30 माइनॉरिटी धर्म है? माइनॉरिटीज फाइनेंस कॉर्पोरेशन दे रहा है माइनॉरिटीज को, तो उसमें धर्म कहां से आ रहा? आर्टिकल 30 में नहीं है क्या? क्या नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन जो बीजेपी का चेयरमैन है उसमें कौन माइनॉरिटी नहीं लिखा हुआ है, जिसमें मुसलमान है, क्रिश्चियन है, जैन है, सिख है, माइनॉरिटीज को मिल रहा है? ये कौन सी बात है?